इस वीडियो में मैं आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करना बताऊंगा, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम कैसे बताएं कि 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो एकदम जैसे लिखा, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, वैसे 5 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 10 = 50। तो कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 50 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लिखा है 13 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो हम 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 130 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 250 मिलीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नहीं समझ में आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन और बचे, उनको देख कर आप समझ जाएंगे। देखिए 45 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो इसी तरीके से हम 45 सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 सेंटीमीटर। 97 सेंटीमीटर को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 970 मिलीमीटर। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।